आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। हाल ही में पेश बजट को लेकर स्वराज इंडिया के कार्यकर्ताओं ने आज रेवाड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बजट को लेकर स्वराज इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि इस साल पेश बजट को सरकार द्वारा किसान बजट के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, जो कि किसान और आम जनता को गुमराह करने के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसानी मुद्दों को लेकर सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बजट किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी नहीं दे सकता, वह कैसे किसानों का हितैषी हो सकता है। इस बजट से सरकार एक बार फिर किसानों को बेवकूफ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हमें मजबूर होकर अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसान नाखुश है और हम बजट के जो किसानों के विरुद्ध है ये बजट, और ये सारे किसान भाई आए हैं कि हम इस बजट से खुश नहीं हैं और हम इसका विरोध करते हैं, और विरोध के लिए हम डीसी साहब को हमने मतलब एक तरह की बजट का फसल का डोढ़ा दाम और कर्ज मुक्त किसान, ये हमारे दो मतलब हैं। और इस बजट में हमें ये भी लगता है कि हमें ये दो चीजें मिल जाएंगी। हमारा मेन मुद्दा यही है किसानों को उसकी फसल का डोढ़ा दाम मिले और कि कर्ज मुक्त किसानों, कर्ज माफी नहीं कर्ज मुक्त किसानों, और इसके बारे में आगे ज्यादा कुछ समझी बता। रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।